हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ मेघा और आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं बहुत ही खास जगह पर जा रही हूँ जिसका नाम है गुरुद्वारा दरबार साहिब, करतारपुर, पाकिस्तान में। जी हाँ, दिस टाइम योर गर्ल इज़ ट्रैवलिंग टू पाकिस्तान। ये भाईचारा का बहुत अच्छा संदेश है कि आपस में मिलजुल के हम लोग रहे, दोनों भाई रहे। हाँ जी। लोग भी एक, लिबास भी एक, शक्लें भी एक, बॉर्डर लड़ रहे हैं। जब मैं बॉर्डर क्रॉस कर रही थी तो मैंने देखा था, मेरे सामने ही दो तीन बर्ड्स थे जो मेरे ऊपर इंडिया की तरफ से पाकिस्तान की तरफ हमारे साथ ही उन्होंने क्रॉस किया, तो वो गाना मुझे क्लिक किया, पंछी नदिया पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। तो करतारपुर जाने से पहले आपको करतारपुर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में थोड़ा बता दूं। सबसे पहले ये बता दूं कि आप सब में से जो भी इस कंफ्यूजन में हैं कि करतारपुर जाने के लिए आपको वीज़ा लेना पड़ेगा या आपके पासपोर्ट पर कोई स्टैम्प लगेगा, तो उन सबको ये बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पासपोर्ट पर कोई भी पाकिस्तान का स्टैम्प नहीं लगेगा। ये करतारपुर कॉरिडोर एक वीज़ा फ्री कॉरिडोर है और वहाँ के लिए आपको सिर्फ अपना पासपोर्ट चाहिए होगा। ये एक आपकी आईडी प्रूफ का काम करेगा जब आप करतारपुर जाएंगे। और ये भी काफ़ी लोगों के मन में डाउट है कि आधार कार्ड भी चल सकता है वहाँ के लिए, तो आधार कार्ड की कोई भी ज़रूरत नहीं है करतारपुर कॉरिडोर जाने के लिए। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका इंडियन पासपोर्ट चाहिए होगा। तो आइए अब बात करते हैं कि आप करतारपुर कॉरिडोर कैसे जा सकते हैं। तो करतारपुर कॉरिडोर जाने के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ये उसकी साइट है। तो इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं, आपके पास दो ऑप्शंस आएगी, पहला इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स और दूसरा OCI पासपोर्ट होल्डर। तो इन दोनों में से आपके पास जो भी पासपोर्ट है आप उसमें क्लिक कीजिए और अब आपको अपनी जर्नी डेट सेलेक्ट करनी है। तो अपनी जर्नी डेट सेलेक्ट करने के बाद आपके पास तीन चार पार्ट्स आएंगे, उसमें आपको अपना डिटेल्स भरना है, लाइक योर नेम, एड्रेस, और हाँ, आपको अपना ब्लड ग्रुप भी पता होना चाहिए ये फॉर्म भरने से पहले। तो आप जैसे ही ये सारा भर देंगे अपना डिटेल्स, इसके बाद आपको अपना एक स्कैन फोटो और अपना पासपोर्ट का बोथ फ्रंट एंड बैक इसकी कॉपी, स्कैन कॉपी आपको सबमिट करनी है। जब आपके ऑनलाइन प्रोसेस की ये सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाएगी तो आपके पास एक SMS आएगा और उसमें ये लिखा होगा कि आपकी जो ये कन्फर्मेशन है ये आपको आपकी जर्नी डेट जो आपने सेलेक्ट की थी इसके सिर्फ 4 दिन पहले ये आपको कन्फर्मेशन भेजेंगे। तो जैसे ही आपका ये सारा प्रोसेस ख़त्म होता है, आपकी स्क्रीन पर एक फॉर्म आएगा जिसे आपको डाउनलोड करना है और उसके बाद इसका प्रिंट आउट लेना है। तो अब इसके बाद आपके पास 1 या 2 दिन में LIU ऑफिस से एक कॉल आएगा, वहाँ आपको अपना पासपोर्ट की कॉपी और ये जो आपने फॉर्म डाउनलोड किया है ऑनलाइन, ये दोनों चीज़ें आपको वहाँ पर सबमिट करना है। और इसके बाद भी आपको एक और किसी डिपार्टमेंट से कॉल आएगा, वो सिर्फ आपकी कुछ डिटेल्स आपसे पूछेंगे, दैट्स इट। तो ये सब प्रोसेस पूरा होने के बाद आपको फाइनली अपनी जर्नी डेट के 4 दिन पहले आपको एक मैसेज आ जाएगा जिसमें आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको उसी साइट पे डालना है जिसमें आपने रजिस्टर किया था करतारपुर के लिए। तो वहाँ से आप ये ETA डाउनलोड कर सकते हैं। ETA का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन, और ये वो ऑथराइजेशन है जो हमें ये करतारपुर कॉरिडोर एक्सेस करने के लिए मिलता है। तो करतारपुर जाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ आपका पासपोर्ट चाहिए होगा, आपका इंडियन पासपोर्ट और ये ETA। तो मुझे लगता है मैंने आपको ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन दे दी है, और आप वीडियो में बने रहिए, आपके और भी काफ़ी सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो चलते हैं, लेट्स ट्रैवल टू पाकिस्तान।
आज का दिन मुझे हमेशा याद रहने वाला है। आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे आज मौका मिल रहा है कि मैं बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान जाऊँ। तो मैं यहाँ कल आ चुकी थी डेरा बाबा नानक में। यहाँ मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ हैं चिराग और मेरी मदर इन लॉ। तो हम कल यहाँ पहुँच गए थे, हमें यहीं पे एक रूम मिल गया था जस्ट फॉर 500 रुपीज़। और कल हमने यहीं पे रात को लंगर चखा, आज सुबह भी ब्रेकफास्ट में हमने यहीं पे ही खाया। और अब हम ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं करतारपुर कॉरिडोर की तरफ। अगर आप सभी ये सोच रहे होंगे कि करतारपुर क्या है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है, तो आप सबके लिए ये बता दूं कि करतारपुर एक वीज़ा फ्री कॉरिडोर है जो यहाँ डेरा बाबा नानक से पाकिस्तान का जो गुरुद्वारा दरबार साहिब है, ये इन दोनों गुरुद्वारों को कनेक्ट करता है। और ये जो पाकिस्तान करतारपुर में गुरुद्वारा दरबार साहिब है, ये सिख कम्यूनिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। और वो इसलिए क्योंकि यही वो जगह है जहाँ गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के आखिरी 17 से 18 साल बिताए थे। और ये मैं पहुंच चुकी हूँ इंडियन बॉर्डर टर्मिनल पर। यहाँ पे हम अंदर जाएंगे, हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम कैरी कर रहे हैं वो वेरीफाई होंगे, और उसके बाद हम आगे बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान जाएंगे। तो यहाँ मैं अपने दो डॉक्यूमेंट्स कैरी कर रही हूँ, फर्स्ट इज़ माई इंडियन पासपोर्ट और दूसरी चीज़ है ETA, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन, जो मैंने ऑनलाइन डाउनलोड किया था। इन दो डॉक्यूमेंट्स के अलावा मैं एक और चीज़ कैरी कर रही हूँ, वो है $20। ये एक फ़ीस है जो करतारपुर कॉरिडोर एक्सेस करने के लिए दी जाती है पाकिस्तान गवर्नमेंट को। तो तीन चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, इंडियन पासपोर्ट, ETA और $20। और वैसे आपको ये भी बता दूँ कि अगर आप पहले से ही $20 कैरी करेंगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान में जाके अपने इंडियन रुपीस को कन्वर्ट करते हैं इसमें $20 में, तो वो आपको ज़्यादा महंगा पड़ेगा। सो इट्स बेटर कि आप पहले ही अपने साथ $20 इंडिया से ही कैरी करें। तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, ये जो करतारपुर कॉरिडोर है ये सुबह 8 बजे से शुरू हो जाता है और ये शाम को 3 बजे तक इसकी लास्ट एंट्री, मतलब इंडियन साइड से एंट्री हो सकती है। तो और ये जो हमें परमिशन मिली है पाकिस्तान जाने की, ये सिर्फ एक दिन के लिए है, कुछ ही घंटों के लिए इनफैक्ट। तो ये नहीं है कि हम करतारपुर से कहीं और, इस कॉरिडोर से कहीं बाहर और जाएं, उस गुरुद्वारे से कहीं और जाएं, इस चीज़ की हमें परमिशन नहीं है। सिर्फ हमें यहाँ डेरा बाबा नानक से करतारपुर कॉरिडोर और गुरुद्वारा दरबार साहिब तक की ही जाने की परमिशन है, और उसी कॉरिडोर से हम वापस आएंगे। तो बस अब हम एंटर करने वाले हैं इंडिया बॉर्डर टर्मिनल। तो यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराकर आपको फिर आगे अपडेट दे दूँगी। तो अभी हमें यहाँ पे पोलियो ड्रॉप्स पिलाए गए, बहुत ही खट्टे थे। क्यों मम्मी? बहुत कर तो अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा के, पोलियो की ड्रॉप्स पी के हम आगे आ चुके हैं। यहाँ कस्टम का कुछ फॉर्म भर रहे हैं, तो इसी में मुझे पता चला है कि हम यहाँ से करतारपुर की तरफ मैक्सिमम 7 केजीज का सामान ले जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे भी श्रद्धालु हैं जो गुरुद्वारा दरबार साहिब पर कुछ सब्जियाँ ले जाते हैं वहाँ दान करने के लिए, और भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं। तो आप सबको ये बता दूँ, 7 केजी इज़ द मैक्सिमम लिमिट, आप उससे ज़्यादा नहीं ले जा सकते।
तो सारी फॉर्मेलिटीज़ इमिग्रेशन ऑफिस में करने के बाद अब मैं चल रही हूँ बॉर्डर की तरफ। तो इस पार्ट को अब यहीं एंड करते हैं, अगली जर्नी मैं आपको अगले पार्ट में दिखाऊंगी, तो आप बने रहिए मेरे साथ। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन हियर्स मेघा साइनिंग ऑफ। ये सामने दिख रहा है मुझे पाकिस्तान और एक तरफ है इंडिया। हमारे साथ चलोगे हिंदुस्तान? नहीं क्यों? तो यहाँ पे हमें एक फैमिली मिली है जो कुछ पाकिस्तान में रहते हैं और कुछ हिंदुस्तान में, और ये कुछ सत्तर साल बाद यहाँ आके मिले हैं, तो आपको मिलवाते हैं उनसे।